नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook में आप जो चेक इन किए होते हैं, आप उस चेक इन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको ओपन करना होगा अपने Facebook ऐप को, और Facebook ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पर। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको आ जाना होगा अपने प्रोफाइल में। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सी योर अबाउट इन्फो, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चेक इन का। अब जिस सिटी में चेक इन किए रहते हैं उन सभी का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप सी मोर पे क्लिक करते हैं तो आप और भी चेक इन को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं दो सिटी में ही चेक इन किया हूँ, इसलिए दो ही लोकेशन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट या रिमूव का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो इसे डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे इस डेट को याद कर लेना होगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 6 दिसंबर 2020, तो आप इसे याद कर लीजिएगा और इसके बाद आ जाइएगा बैक। यहाँ पे क्लिक करके आप आ जाइएगा बैक, और इसके बाद फिर से आपको जाना होगा अपने प्रोफाइल में। यहाँ पे क्लिक करके आप आ जाइएगा अपने प्रोफाइल में, और यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो इस तरह का एक आइकॉन यहाँ पे आपके फ़ोन में बना हुआ मिलेगा। इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको वो डेट सेलेक्ट करना होगा जो अभी आप याद किए हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस डेट को आप चेक इन को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा उस डेट पे, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा ओके। इसके बाद यहाँ पे पोस्टेड बाय पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा यू पे, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डन। तो दोस्तों यहाँ से अब आपकी चेक इन में फिल्टर लग जाता है और आपको सिर्फ वही चेक इन दिखलाई देगा। इसलिए आप आइएगा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ तो वो चेक इन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा डिलीट। फिर से आपको क्लिक कर देना होगा डिलीट, तो वो चेक इन यहाँ से डिलीट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी चेक इन को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।